हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। द मेजर लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज दैट इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज वोलाटाइल। जो अपनी प्राइमरी मेमोरी थी उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसका मेमोरी का साइज कम था और वह नेचर का वोलाटाइल था। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। क्योंकि यह मेमोरी बाहर से यूज करते हैं हम, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इट रिफर्स टू द वेरियस स्टोरेज मीडिया ऑन विच ए कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसके अंतर्गत हम वे सभी प्रकार के स्टोरेज मीडिया को रखते हैं जो हमारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार का डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है। इट इज एन एडिशनल स्टोरेज नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर। जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं वह कंप्यूटर के एडिशनल पार्ट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, वह कंप्यूटर के मेन पार्ट नहीं होते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या तो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं या वह रिमूवेबल भी हो सकते हैं। फिक्स्ड स्टोरेज मीडिया इज एन इंटरनल स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क दैट इज फिक्स्ड इनसाइड ए कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क ऐसा एक मीडिया है, इंटरनल स्टोरेज मीडिया, जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया इज ए डेटा स्टोरेज मीडिया दैट इज पोर्टेबल एंड कैन बी टेकन आउटसाइड द कंप्यूटर। जो रिमूवेबल मीडिया होते हैं ऐसे मीडिया जो हम बाहर से यूज करते हैं और उसको कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। सेकेंडरी मेमोरी का हम प्रयोग क्यों करेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण रीजन है। जैसे पहला है परमानेंस, यानी कि जो हम डाटा यूज करते हैं वो रैम में डाटा अस्थाई नहीं होते, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी हमको डाटा को परमानेंस प्रोवाइड करता है, यानी अस्थायित्व तो प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ समथिंग इज नीडेड टू परमानेंस। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण कंप्यूटर बंद होते हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि प्राइमरी मेमोरी के डाटा लॉस हो जाते हैं, उस समय हमें कुछ ऐसे ही परमानेंट स्टोरेज डिवाइसों की जरूरत पड़ती है जो हमारे डाटा को एक परमानेंस प्रोवाइड करे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सर्व दिस पर्पज। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस होते हैं वह इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। दे डू नॉट लॉस डाटा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी टर्न्ड ऑफ। तो वे डाटा को स्टोर करते हैं जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, यानी कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ हो जाता है तब भी। नेक्स्ट वन पोर्टेबिलिटी। सेकेंडरी स्टोरेज लाइक सीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यह एक दूसरे कंप्यूटर से डिवाइसों से डेटा को आदान प्रदान करने में प्रयोग होते हैं, इसलिए यह पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करने होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया को टेक्नोलॉजी के आधार पर हम निम्नलिखित तीन भागों में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, दूसरा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया और तीसरा सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। जो अपने मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है वह क्रमशः हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप होते हैं। मैग्नेटिक मीडिया इज कोटेड विथ ए मैग्नेटिक सेंसिटिव लेयर एंड दिस लेयर इज मैग्नेटाइज्ड इन क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच देन आर इंटरप्रेटेड एज ए बाइनरी वंस एंड जीरो एट रीडिंग। अपने मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया जो अभी हमने देखा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, इसकी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि मैग्नेटिक मीडिया कोटेड मैग्नेटिक सेंसिटिव लेयर होते हैं जहां पर उसको
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज किया होता है और ये प्रत्येक एक बाइनरी के वंस या जीरो के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, रीड किए जाते हैं। अपने मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में पहला है आपका फ्लॉपी डिस्क, जिसको डिस्कटी बोलते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क इज ए फ्लेक्सिबल डिस्क मेड अप ऑफ लेयर विथ मैग्नेटिक कोटेड ऑन इट। इट इज ए पैक्ड इनसाइड ए प्रोटेक्टिव प्लास्टिक एनवेलप। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन से यूज होते हुए आ रहा है। अब इसका प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, नहीं के बराबर। आजकल मार्केट में यह कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा डिस्क है जो प्लास्टिक के कवर में पैक होता है। दीज वेयर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कुड स्टोर अप टू 1.4 MB डाटा ओनली, बट नाउ दे आर नो लॉन्गर यूज। अब यह बहुत ही कम प्रयोग हो रहा है। यहां पर इसकी संरचना आप देख रहे होंगे, यह एक फ्लॉपी डिस्क की संरचना है। दूसरा, ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स विच आर माउंटेड ऑन ए कॉमन स्पैंडल। यह कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट और यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने वाला स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। यह कुछ सर्कुलर प्लेट्स डिस्क जो कि एक सेंट्रल स्पैंडल के द्वारा माउंटेड होते हैं। ईच सरफेस ऑफ प्लेटर्स इज कोटेड विथ ए मैग्नेटिक मटेरियल। जो प्लेट्स होते हैं उस प्लेट्स के दोनों सरफेस दोनों साइड में मैग्नेटिक मटेरियल का लेप होता है। बोथ सरफेस ऑफ ईच डिस्क आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम डिस्क वेयर ओनली द इनर सरफेस इज यूज्ड। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 प्लेट्स रखे हुए हैं, तो ऊपर वाले एक प्लेट के सबसे ऊपरी भाग और नीचे वाले के एक प्लेट का सबसे नीचे वाला भाग छोड़ करके बाकी सभी प्लेटों के सभी साइड्स डाटा को स्टोर करने के लिए सक्षम होते हैं। द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्फेस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क बाय मैग्नेटिक रीड राइट हेड। यहाँ पर जो रीड राइट हेड लगे होते हैं वह मैग्नेटिक डिस्क के दोनों साइड में डाटा को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। दीज हेड आर जम्प्ड टू ए कॉमन आर्म नोन एज एक्सेस आर्म। यह हेड एक कॉमन आर्म के द्वारा रोटेट करते हैं जिसको हम एक्सेस आर्म कहते हैं। दिस आर्म मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क एज शोन इन द फिगर। अब इसको हम यहाँ इस डायग्राम से समझेंगे। आप हार्ड डिस्क का इस तरह का संरचना देखे होंगे और इस संरचना की इन सुपर वाले प्लेट्स को हमने खोल करके ये डायग्राम लिया हुआ है। अब इसके अंदर की संरचना में देखिए तो ये प्लेटर्स, यहाँ पर ये जो प्लेट देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर से एक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे कई प्लेट्स इस बीच वाले स्पैंडल एक रोटेटिंग रॉड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रीड राइट हेड, ये जो देख रहे हैं ये हेड है जो प्लेट्स के ऊपर और इसके नीचे जस्ट इसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टर और प्लग कनेक्टर। और ये जो रीडिंग राइटिंग हेड है यह हेड भी एक सेंट्रल रॉड से जुड़ा हुआ है। अब इस डायग्राम को हम यहाँ एक लेआउट डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आपका आर्म असेंबली, जिससे कि ये रीड राइट हेड है और ये सपोज करिए कि ये प्लेट्स है। यहाँ पर प्लेट्स पर ये ट्रैक्स हो गए और ये एक खाने को हम उसका सेक्टर बोलते हैं। ये स्पैंडल राड हो गया जहां पर ये इसको रोक करके रखा हुआ है और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए रहता है। इसको ये सिलेंडर्स हो गए और ये प्लेटर्स हो गए। इस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो आर्म है इस आर्म के द्वारा यहां पर रीड राइट हेड लगे हुए हैं जो ऊपर से और नीचे से यहां दोनों डायरेक्शन से इस प्लेट्स के सरफेस पर बने हुए ट्रैक और सेक्टर में स्टोर डाटा को आसानी से रीड और राइट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन ईच साइड डिस्केटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किट कॉल्ड ट्रैक्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सेक्टर्स। हार्ड ड्राइव हाउएवर आर नॉट वेरी पोर्टेबल एंड आर
प्राइमरीली यूज्ड इंटरनली इन ए कंप्यूटर सिस्टम, या एक प्रकार का ऐसा है जो ज्यादा पोर्टेबल नहीं होता और कंप्यूटर में लगा हुआ पहले से आपको मिलता है। बट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन इस प्रकार के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी मार्केट में अवेलेबल है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पोर्टेबल स्टोरेज। टूडे द हार्ड डिस्क हैव द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेवरल गीगाबाइट्स। आपको बताएं कि हम मार्केट में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करने वाले हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जैसे कि 1 TB तक के हार्ड डिस्क आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया इंफॉर्मेशन स्टोर एंड रीड यूजिंग ए लेजर बीम। यह इंपॉर्टेंट चीज है, यह एक लेजर बीम के माध्यम से डाटा को रीड और राइट करते हैं। डाटा इज स्टोर्ड एज ए स्पाइरल पैटर्न ऑफ पीक्स एंड राइजेस डिनोटिंग बाइनरी 0 और 1। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, जैसा कि हमने मैग्नेटिक टेप के किया। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मीडिया आर CD एंड DVD एक्सेट्रा। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD की। एक कॉम्पैक्ट डिस्क और CD का स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 to 700 MB ऑफ डाटा। वी हैव ए CD ड्राइव इन आवर कंप्यूटर टू रीड देम। यह 700 से 650 MB तक के डाटा स्टोर कर सकता है और हमारे कंप्यूटर में इसे रीड और राइट करने के लिए अलग से एक CD ड्राइव लगा हुआ होता है। इसकी संरचना पर अगर हम ध्यान दें तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये संरचना हम मार्केट में देखेंगे जिसे CD। इस CD को अगर आप नंगी आंखों से भी ध्यान से देखेंगे तो इस पर इस तरह से जैसे चमकते हुए सेक्टर्स दिख रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर लाइनिंग में ट्रैक्स भी दिखते हैं। और इस डायग्राम का यहाँ पर ये ले डायग्राम देखिए, लेआउट डायग्राम में आपको ये इस प्रकार से जो डिवाइडेड है सर्किट के रूप में, इसको हम ट्रैक कहते हैं। और इस तरह से प्रत्येक जो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का डिवीजन, हम इसको सेक्टर कहते हैं। और पूरी CD इस तरह से ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है जहां पर डाटा स्टोर किए जाते हैं। इस CD के अगर हम एक पोर्शन की बात करें तो उसको निकाल करके हम इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर लेबल्स है, जो नीचे का लेयर हो गया प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, यहाँ पर दूसरा मेटल रिफ्लेक्टिव लेयर हो गया और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बेस हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो लेजर बीम यूज होती है, और लेजर बीम के माध्यम से जब हम इस CD पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पिट और लाइंस बनते हैं। ये देखिए जितने इस तरह से गड्ढे हुए, ऊपर से आप गेस करेंगे ये जो लेबल है प्रोटेक्टिव लेयर, उसके नीचे यहाँ पर एक गड्ढा सा दिख रहा है, इसको हम पिट्स बोलते हैं, और जहां पर नहीं है उसको लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर पिट एंड लैंड जो दो इंफॉर्मेशन दो सिंबल्स बन रहे हैं, तो इसको हम क्रमशः 0 और 1 के रूप में रिकॉर्ड करके हम बाइनरी रूप में डाटा को स्टोर कर लेते हैं। द बाइनरी बिट्स 0 और 1 आर इनकोडेड एट ट्रांजिशंस बिटवीन रेजेस्ट राइजे एंड ईस्ट पिट्स विच आर लाइंड अप इन ए स्पाइरल लाइक पैटर्न। और ये पैटर्न ही हमको 0101 के रूप में आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। CD उनके प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है CD रोम, एक ऐसा CD जिसमें एक बार राइट हो गया तो दोबारा आप उसमें राइट नहीं कर सकते, एक ऐसा CD जिसमें हम राइट कर सकते हैं, और एक ऐसा CD जिसमें हम रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा CD जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, एक दूसरा CD जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और एक तीसरा CD जो रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया सकता है, इसमें सिर्फ राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको हम DVD कहते हैं। इट लुक्स लाइक
looks just like a CD and uses a similar technology as that of the CD discussed above, but imply a shorter wavelength. इसका wavelength shorter होता है, ये important चीज है CD और DVD में. Red laser that permits a narrow beam. ये जो lasers होते हैं ये narrow beam को permit करते हैं और allow करते हैं जो closer enough to store data, जिससे कि हम यहाँ पर CD की तुलना में अधिक मात्रा में data store कर पाते हैं. ये आपके सीडी की जैसे डीवीडी की संरचना है, लेकिन देखने में बाकी सभी बनावट में वह बिल्कुल सेम होगा. सिर्फ इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारा डीवीडी अलग है. एक डीवीडी में कम से कम 4.7 से लेकर 17 GB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है. डीवीडी को भी तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि तीन प्रकार के डीवीडी होते हैं. एक ऐसी डीवीडी जिसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, एक दूसरा डीवीडी जिसको रीड और राइट दोनों कर सकते राइट कर सकते हैं, और एक तीसरा डीवीडी जिसको रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. अगला टॉपिक है अपना ब्लू रे डिस्क. दिस इज द लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया टू स्टोर हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो. यह आप सिंबल देख रहे हैं, बिल्कुल सीडी डीवीडी की जैसी ही संरचना होगी, परंतु यह आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्टोरेज डिवाइस है जो कि हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है. इट लुक्स लाइक अ सीडी या डीवीडी बट कैन स्टोर अप टू 27 GB ऑफ डाटा ऑन ए सिंगल लेयर डिस्क एंड अप टू 54 GB ऑफ डाटा ऑन ए ड्यूअल लेयर डिस्क. ड्यूअल लेयर यानी कि दोनों साइड में होते हैं, सिंगल लेयर सिर्फ एक साइड में होता है. वेयर सीडी या डीवीडी यूज्ड रेड लेजर बीम. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सीडी और डीवीडी में रेड लेजर बीम का प्रयोग होता है, जबकि ब्लू रे डिस्क में ब्लू रे डिस्क यूजेज ए ब्लू रे लेजर टू रीड एंड राइट डाटा ऑन द डिस्क. चूंकि ब्लू रे डिस्क जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, जिससे कि अधिक से अधिक डाटा को पर यूनिट स्टोर करने के लिए या उसके योग्य बनाता है. दिस इज बिकॉज ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ इट इज पॉसिबल टू फोकस द लेजर स्पॉट विथ ग्रेटर प्रिसीजन, हेंस डेटा कैन बी पैक्ड मोर टाइटली. ब्लू रे डिस्क वाज डेवलप्ड टू इनेबल रिकॉर्डिंग रीराइटिंग एंड प्लेबैक ऑफ हाई डिफिनेशन ऑडियो लाइक HD एज वेल एज स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. एंड लास्ट टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट मेमोरी. यह एक तीसरी कैटेगरी है मेमोरी की. द टर्म सॉलिड स्टेट इनसेंसली मीन्स नो मूविंग पार्ट्स. जैसे कि ऊपर हमने देखा सीडी लगाते हैं या फिर हार्ड डिस्क होता है, जो भी होता है उसमें रोटेशन ऐसा रीड और राइट करने की जो कैपेसिटी है उसके कारण उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है. यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इवन एवरीथिंग इज स्टैटिक. हेंस सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ नो मूविंग पार्ट, नो रील्स आर टेप, नो स्पिनिंग डिस्क, नो एनी लेजर बीम एक्सेट्रा. सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस स्टोर डाटा यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी कॉल्ड फ्लैश मेमोरी. यह विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जिसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, जिसमें यहाँ पे डाटा स्टोर करने का काम किया जाता है. इसको हम SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं या फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. पेन ड्राइव और USB फ्लैश ड्राइव्स, यहाँ पर ये सिंबल देख रहे हैं जो पेन ड्राइव के सिंबल है. पेन ड्राइव और थंब ड्राइव, इनको हम थंब ड्राइव भी कहते हैं या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, आर इसेंशियली इमर्ज पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया. आज के डेट का सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है. इट इज एन EEP रोम बेस्ड फ्लैश मेमोरी. ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल EEP रोम टेक्नोलॉजी पर यह एक फ्लैश मेमोरी है, विच कैन बी रिपीटेडली
erased and retain using electrical signals. This memory is coupled with a USB connector through which it can be plugged into the computer. They have a capacity smaller than a hard disk but greater than a CD. यह एक सबसे इजी और ज्यादा यूज होने वाला पोर्टेबल डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क से कम परंतु सीडी से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है और सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आज के लिए थैंक यू।